नंबर वन एसयूवी सेल इन सितंबर 2023, तो वो है आपकी ब्रेजा। पिछले दो महीने से नंबर वन की पोजीशन बना के बैठी थी, लेकिन सितंबर में उसको डी थ्रोन कर दिया है। चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए। गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी ब्लॉग। तो लेके आया हूं आप सबके लिए टॉप 10 एसयूवी सेल इन सितंबर 2023। भाई इस बार का जो रिजल्ट है ना, मतलब यार एक गाड़ी अभी लॉन्च हुई है आधे महीने में और उसने सबको हिला के रख दिया। मतलब उसने क्या सेल का नंबर निकाल के दिया है। मतलब काफ़ी टाइम से वो काफ़ी पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपना लेके आई फेस लिफ्ट, समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भाई उसने हिला के रख दिया। मतलब क्या नंबर, मतलब ऐसे नंबर तोड़े हैं उसने और सबको पीछे छोड़ दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी स्टार्ट हो गया, वहाँ पे भी आइए फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी हम नए नए अपडेट्स लाते रहते। तो 10वें नंबर पर रही आपकी Hyundai की Exter। भाई ये जब से गाड़ी लॉन्च हुई है ना, इसने कसम खा ली है कि मेरे को तो लिस्ट के अंदर रहना ही रहना है। मतलब यार कोई गाड़ी लॉन्च होती है और वो टॉप 10 एसयूवी के अंदर अपनी जगह बना लेती है। नंबर्स की बात करी जाए कि एक्स्ट्रा कितनी सेल हुई सितंबर 2023 के अंदर, नंबर है आपका 8,647 8,647। नंबर 10 पे रही आपकी Hyundai की एक्स्ट्रा। 9वें नंबर पे रही आपकी किया सेल्टॉस। भाई किया सेल्टॉस का जब से फेसलिफ्ट आया ना, क्या तो फ्रंट लुक है, क्या बैक लुक है। आजकल ना कनेक्टिंग टेल लैम्प का जमाना सा चल गया। मतलब जो भी कार फेसलिफ्ट लेके आती है उसमें आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प, कनेक्टिंग हेडलैम्प मिलती है। किया सेल्टॉस में भी आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प मिलती है, एडास के साथ आती है। नंबर्स की बात करी जाए सेल्टॉस कितनी सेल हुई सितंबर 2023 के अंदर, नंबर है आपका 10,558 10,558। यहीं पर अगर बात करी जाए प्रीवियस ईयर सितंबर 2022 के अंदर किया सेल्टॉस कितनी सेल हुई थी, नंबर था आपका 11,000। देखो ऑलमोस्ट कार सेम ही है। देखो हाँ यार, अभी लोगों को ना उतना शायद किया सेल्टॉस पे इतना भरोसा नहीं है जितनी और दूसरी गाड़ियों पे भरोसा है। मतलब यार इतनी जबरदस्त कार है लेकिन सेल अभी भी उसकी थोड़ी कम है। मुझे लगता है 1-2 हज़ार कार और ज्यादा सेल होनी चाहिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई इंडिया इसको पसंद कर रही है। वैसे किया बहुत तगड़ा ब्रांड है, किया जो कार लेके आता है, जो फीचर लेके आता है, कोई भी लेके नहीं आता है। 9वें नंबर पे रहा आपका किया सेल्टॉस। 8वें नंबर पे रही आपकी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। से लॉन्च हुई है ना, इसने कसम खा ली है कि मेरे को भी लिस्ट के अंदर रहना ही रहना है। आपको पता है ये नंबर 3rd एसयूवी बन चुकी है, लेकिन एकदम से इसका सेल का नंबर थोड़ा डाउन हो गया है और ये आ गई है 8वें नंबर पे। नंबर्स की बात करी जाए कि फ्रॉन्क्स कितनी सेल हुई सितंबर 2023 के अंदर, नंबर है आपका 11,455 11,455। भाई फ्रॉन्क्स जबरदस्त कार है। अगर आपको फ्रॉन्क्स का रिव्यू देखना है, मैंने डिटेल रिव्यू बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। तो 8वें नंबर पर रही आपकी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। 7वें नंबर पर रही आपकी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। भाई ग्रैंड विटारा सितंबर 2022 के अंदर लॉन्च हुई थी और आते ही एकदम तहलका मचा दिया था। मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लेके आई थी मारुति और क्या गाड़ी बनाई है। जबरदस्त इसकी लुक है, जबरदस्त इसका हेडलैम्प, टेल लैम्प, इंटीरियर बहुत सॉलिड है। नंबर्स की बात करी जाए ग्रैंड विटारा कितनी सेल हुई सितंबर 2023 के अंदर, नंबर है आपका 11,736 11,736। अगर यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर सितंबर 2022 के अंदर ग्रैंड विटारा कितनी सेल हुई थी, नंबर था आपका 4,769 4,769। देखो कहाँ 4,700, कहाँ 11,700, साफ समझ आता है कि एक साल के अंदर ग्रैंड विटारा को इंडियंस ने बहुत प्यार दिया है। मतलब क्या गाड़ी है, मतलब यार कहाँ 4,000 कहाँ 11,000। 7वें नंबर पर रही आपकी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। 6वें नंबर पर रही आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो। इसके अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन दोनों आती हैं। मतलब गाड़ी जब से लॉन्च हुई है स्कॉर्पियो क्लासिक नया वाला और स्कॉर्पियो एन, भाई इसका सेल का नंबर बढ़ता 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 ही जा रहा है। नंबर्स की बात करी जाए कि स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन कितनी सेल हुई सितंबर 2023 के अंदर, वो नंबर है आपका 11,846 11,846। यहीं पर बात करी जाए प्रीवियस ईयर सितंबर 2022 के अंदर स्कॉर्पियो कितनी सेल हुई थी, नंबर था आपका 9,536 9,536। भाई देखो ऑब्वियस ही बात है, गाड़ी बहुत दमदार है, गाड़ी में बहुत दम है, स्कॉर्पियो उनको ऐसी ही बिग डैडी नहीं बोला जाता। नंबर 6 पर रही आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो 5वें नंबर पर रही आपकी Hyundai Venue। भाई Venue एक कंसिस्टेंट कार है, मतलब नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 इसने अपनी जगह बना रखी है, एक दो प्लेस ऊपर नीचे करती है लेकिन लिस्ट से कभी भी बाहर नहीं होती है। नंबर्स की बात करी जाए Venue कितनी सेल हुई सितंबर 2023 के अंदर, नंबर है आपका 12,204 12,204। यहीं पे बात करी जाए सितंबर 2022 के अंदर Hyundai Venue कितनी सेल हुई थी, नंबर था आपका 11,033 11,033। ऑलमोस्ट सेम है, 1,000 कार Venue इस बार ज़्यादा सेल हुई है। तो 5th नंबर पर रही आपकी Hyundai की Venue।
नंबर फोर पे रही आपकी Hyundai Creta। भाई Creta को हो क्या किया है, कहां तो ये नंबर वन एसयूवी बननी थी लगातार दो महीने से और एकदम से नीचे हो गई है। पिछले महीने और उससे पहले वाले महीने भी नहीं थी नंबर वन और इस बार भी इसका जो नंबर है वो फोर्थ पे है। नंबर की बात करी जाए Creta कितनी सेल हुई सितंबर 2023 के अंदर, वो नंबर है आपका 12,717 यहीं पे बात करी जाए कि प्रीवियस ईयर सितंबर 2022 के अंदर Creta कितनी सेल हुई थी, नंबर था आपका 12,866। आप देखोगे तो 100 कार थोड़ी कम सेल हुई Creta, लेकिन उसने अपना नंबर बना के रखा हुआ है। शायद और दूसरी कार ना कुछ ज्यादा ही सेल कर रही है, इसलिए Creta भाई ऊपर नहीं आ पा रही है। तो नंबर फोर पे रही आपकी Hyundai की Creta। थर्ड नंबर पे रही आपकी टाटा पंच। भाई टाटा पंच नंबर थर्ड, भाई मैं बहुत ज्यादा शौक होता हूँ कि टाटा पंच का नंबर इतना ऊपर आता है, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया कार उससे नीचे हैं लेकिन टाटा पंच ऊपर है। क्यों भाई? क्योंकि टाटा के साथ जो मिलता है ना वो सेफ्टी का भरोसा, 5-स्टार रेटेड कार और टाटा का भरोसा तो है ही साथ में। और जब से वो डुअल सिलेंडर CNG मिला है ना उसके अंदर, मतलब बूट स्पेस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस CNG होने के बावजूद रह जाता है उसके अंदर, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है आपको। नंबर्स की बात करी जाए टाटा पंच कितनी सेल हुई सितंबर 2023 के अंदर, नंबर है आपका 13,036। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर सितंबर 2022 के अंदर टाटा पंच कितनी सेल हुई थी, नंबर था आपका 12,251। देखो यार गाड़ी ज़बरदस्त है इसलिए उसका सेल का नंबर ऊपर जाता जा रहा है। तो नंबर थर्ड पे रही आपकी टाटा पंच। नंबर टू पे रही आपकी मारुति सुजुकी ब्रेजा। भाई ब्रेजा पिछले दो महीने से नंबर वन की पोजीशन बना के बैठी थी लेकिन सितंबर में उसको डी थ्रोन कर दिया है और नंबर टू एसयूवी बन चुकी है। नंबर्स की बात करी जाए कि ब्रेजा सितंबर 2023 के अंदर कितनी सेल हुई, नंबर था आपका 15,001। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर सितंबर 2022 के अंदर ब्रेजा कितनी सेल हुई थी, नंबर था आपका 15,445। देखो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस ब्रेजा ने दिया अगर देखा जाए ईयर बाय ईयर, लेकिन इस बार वो नंबर टू पे है। तो नंबर टू पे रही आपकी मारुति सुजुकी ब्रेजा। नंबर वन एसयूवी सेल इन सितंबर 2023 तो वो है आपकी टाटा नेक्सॉन। भाई नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आया और उसने सेल का नंबर दिखाया, मतलब यार 14 तारीख को गाड़ी लॉन्च हुई है, आधा महीना गाड़ी को लॉन्च हुए हुआ नहीं और बन गई नंबर वन एसयूवी। भाई सच में बहुत ज़बरदस्त है, क्या टेल लैंप है, क्या हेडलैम्प है, एक नंबर डिजाइन दिया है, इंटीरियर प्रीमियम क्वालिटी, मतलब हर चीज एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर नेक्सॉन में आपको मिल जाती है। नंबर्स की बात करी जाए कि नेक्सॉन कितनी सेल हुई सितंबर 2023 के अंदर, नंबर है आपका 15,325। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर सितंबर 2022 के अंदर नेक्सॉन कितनी सेल हुई थी, नंबर था आपका 14,518। देखो यार नेक्सॉन भी एक जबरदस्त कार है, अपना नंबर पकड़ के चलती है, थोड़ा एक दो बार वो पीछे हो गई थी क्योंकि फेसलिफ्ट का वेट हो रहा था, लेकिन उसने दिखा दिया कि किंग कौन है और आते ही उसने ब्रेजा और Creta को डीथ्रोन कर दिया और बन गई नंबर वन एसयूवी सेल इन सितंबर 2023। तो अभी आपने देखा कि यार नेक्सॉन अभी लॉन्च हुई और बन गई नंबर वन एसयूवी और एक्स्टर तो भाई जगह बना के चल रही है और नंबर 10 पे है। मतलब यार नई नई गाड़ियां जगह बना रही हैं अपनी एसयूवी लिस्ट के अंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नई गाड़ी लॉन्च होती है और उसका सेल का नंबर बहुत ऊपर जाता है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मैं आपके हर कॉमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। और एक चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए।